हे गाइस, कुकिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक परफेक्ट कॉम्बो जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। हाँ, हम बनाने वाले हैं मिंट राइस और रायता। तो देख लेते हैं कि हमें मिंट राइस बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें चाहिए राइस, यहाँ हमने दो बोल राइस लिए हैं जिन्हें हमें भिगोकर रख लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए मिंट, कोरिएंडर लीव्स, हरी मिर्ची, अदरक। इन चारों को मिला के आपको इसका एक पेस्ट बनाना है। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है कुछ काजू, कुछ बादाम। सब्जियों में हमें शिमला मिर्ची, टमाटर, आलू और जो सब्जी आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा, खड़े मसाले जिसमें हमें लौंग, इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी लेना है, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और हमें 1 चम्मच कोकोनट पाउडर मसाला बनाने के लिए चाहिए होगा और 1 साबुत नींबू का रस। तो इन सभी से मिला के हम मिंट राइस बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जार के अंदर मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, हरी मिर्ची और अदरक इन्हें डाल दीजिए और 1 चम्मच कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। गाइस, इसका जो थिक पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। गाइस, सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, खड़े मसाले, काजू और बादाम और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और अब हम इनमें वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आलू और शिमला मिर्ची और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें पेस्ट ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें राइस ऐड कर लीजिए। राइस डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस, अब जब आप राइस बनाते हैं तो आप जितने राइस लेते हैं उसे डबल वाटर ऐड करते हैं। यहाँ हमने 2 बोल राइस लिए थे, यहाँ मैं 4 बोल वाटर ऐड करूंगी। और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। अब आप इसको इसके लिड से कवर कर दीजिए और कम से कम 2 से 3 विसल आने तक इसे ऑन रखिए।
जब तक राइस रेडी होते हैं हम रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें चाहिए होगा दही, आप लगभग 2 बॉल दही ले लीजिए। इसके अलावा धनिया पत्ती, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्ची, इन सभी को आपको बारीक काट लेना है। मिंट लीव्स, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। तो इन सभी से मिला के हम रायता बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक कंटेनर में दही ऐड कर लीजिए और इसे बीटर की सहायता से विस्क कर लीजिए। अब आप इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच काला नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब गाइज आप इसमें सब्जियां ऐड कर दीजिए। यहाँ मैं डाल दूँ शिमला मिर्ची, खीरा, टमाटर, धनिया पत्ती, पुदीने की कुछ पत्तियां और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस इन वेजीज को ऐड करने का बेनिफिट ये कि सबसे पहले तो ये बहुत हेल्दी होती है, प्लस वेट रिड्यूस करने में भी इनका बहुत योगदान होता है, प्लस इनका रायते के अंदर क्रंची टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो गाइस हमारा जो रायता है वो बनके तैयार है। एकदम सिंपल है, कुछ ही नहीं करना, सिर्फ आपको दही के अंदर कुछ सब्जियां मिक्स करनी है, नमक चीनी डालना है और हमारा जो स्पेशल लजीज रायता है वो तैयार हो चुका है। चलो अब हम राइस को भी चेक कर लेते हैं। तो हम राइस चेक कर लेते हैं कि ये बनके तैयार हुए कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो राइस है वो एकदम बनके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हम इसमें ये नींबू का रस डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। बहुत ही अच्छे राइस बने हैं। हम इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। तो हमारे जो मिंट राइस है या ग्रीन राइस है वो बनके रेडी है। अब हम एक बोल में रायते को भी डाल देते हैं। तो ये हमारा रायता भी तैयार है और ये हो गया आपका परफेक्ट कॉम्बो। और आप इसको सैलेड के साथ में सर्व कर दीजिए। तो मैं एक प्लेट में सैलेड भी डाल देती हूँ। सो गाइस मैंने एक प्लेट में सैलेड डाल लिए हैं और ये हमारा परफेक्ट कॉम्बो बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।